राजधानी दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा के विधायक राजकुमार आनंद के नेतृत्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता के घर जोरदार प्रदर्शन किया और सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सहित विधायक वहां पर पहुंचे। विधायक का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को केजरीवाल पर टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए। हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल ने खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद जी है, क्या मामला है पूरा जानेंगे इनके लिए। मामला जब से पंजाब में हमारी सरकार बनी है और हमें इतना ज्यादा बहुमत मिला है तब से बीजेपी बौखला गई है और तमाम नए नए बातें करते हैं। कभी कहते हैं ये कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दो। हम भी हिंदू हैं, हमारी पार्टी भी हिंदू है, लेकिन हम अन्याय नहीं कर सकते किसी के भी साथ। तो जब इन्होंने कहा कि टैक्स फ्री कर दो, हमने कहा कि यूट्यूब पर डाल दो, इसको सब लोग देख लेंगे और भी ज्यादा प्रचार होगा। लेकिन वो सब ना करके हमारे मुख्यमंत्री को कल पूरा भरा कहा गया, अभद्र टिप्पणी की गई, उसकी हम निंदा करते हैं, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम आए। और हम उम्मीद करते हैं कि आदेश गुप्ता में जरा भी शर्म बाकी है तो वो घर से बाहर निकल के अपने इस बात के लिए माफी मांगेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से जो भगदड़ मची उस तरफ से भी लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने भी की, जनता ने पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं की। उस तरफ कुछ महिलाएं बदतमीज जो डंडे मार रही हमारी महिलाओं को, हमारी महिलाओं को डंडे पड़े हैं, बहन जी को डंडे पड़े, बिटिया को पड़े हैं। तो इस तरह की बदतमीजी, पुतला जलाना, ये सब वो करते हैं। यानी अब कश्मीर फाइल पे क्या कहना है आपका? कश्मीर फाइल पे हमें कुछ नहीं, लड़ाई हमारी कश्मीर फाइल नहीं है। लड़ाई ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो महिलाओं के लिए इतना काम करता है, बच्चों के लिए इतना काम करता है, शिक्षा पे काम करता है, स्वास्थ्य पे काम करता है, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी हमारी आम आदमी का पार्टी का कोई भी वॉलंटियर नहीं सही। जिस तरीके से आपने सुना आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद जी को, कि जिस तरीके से आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी की थी, उससे बड़ा बवाल कटा। यानी इस तरह देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता